नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एरर्स इन चेनिंग। एरर्स इन चेनिंग, ओके। जो भी हम काम करते हैं सर्वे का, देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, ओके, कमिटिंग मिस्टेक्स। तो उसके सोर्सेस क्या हैं, तो टाइप्स ऑफ एरर कौन कौन सी होती हैं चेनिंग में। टाइप्स ऑफ एरर होती हैं चेनिंग में, नंबर वन नेचुरल एरर, दैट इज नंबर टू इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, नंबर थ्री इज दैट इज पर्सनल एरर। ओके, नेचुरल एरर कौन सी होती हैं, वो एरते जैसे एरर ड्यू टू विंड, टेम्परेचर, ओके, दिस इज कॉल्ड द नेचुरल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर कौन सी होती हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर होती हैं कि आपने चेन माना 20 मीटर की है, लेकिन वो 20 मीटर की नहीं थी, वो 20.1 मीटर की थी, तो दैट इज़ द इंस्ट्रूमेंटल एरर। या आपने थोड़ा नापने में 20.1 मीटर की थी, दैट इज़ कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंटल एरर। और या 99.9 मीटर की थी, तो चेन इज शॉर्ट, टू शॉर्ट और टू लॉन्ग, ये सारे इंस्ट्रूमेंटल एरर में आते हैं। ओके, देन इज कॉल्ड द पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होती है, आपने एक आपने रीडिंग ही गलत है, 52 लिंक थे आपने 51 पढ़ लिया, या आपने 53 पढ़ लिया, 53 लिंक पढ़ लिया, ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड द पर्सनल एरर। दैट इज़ ड्यू टू पर्सन, ड्यू टू जो आदमी के द्वारा की जाती है। अगर आपको स्ट्रेट चेन पकड़नी थी, प्रॉपर पुल लगा के नहीं पकड़ी, तो दैट इज़ प्रॉपर पुल नहीं लगाया आप, स्ट्रेटनेस नहीं थी, जिगजैग था, दैट कम्स ऑल कम्स अंडर पर्सनल एरर ड्यू टू ह्यूमन बींग, ओके, दैट इज़ कॉल्ड द पर्सनल एरर। तो तीन प्रकार की एरर होती है। अब इस एरर को हम दो प्रकार में और बांटते हैं, वन इज़ कंपनसेटिंग, ओके, एंड अनदर इज क्यूमुलेटिव। ओके, क्यूमुलेटिव में जो होता है वो एरर, जैसे मान लीजिए चेन 20 की 20.1 मीटर है, दिस टाइप ऑफ एरर इज़ क्यूमुलेटिव, क्योंकि वो एरर कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक आप काम ख़त्म करके दोबारा चेक नहीं करते, दैट इज़ कॉल्ड द क्यूमुलेटिव एरर। ओके, और एक कंपनसेटिंग क्या होती है, जैसे आपने पुल लगा के स्ट्रेट नहीं करी, तो क्या होगा कि वी एरर, कभी तो पुल ज़्यादा लगा लोगे, कभी कम लगा लोगे, कभी ये प्लस में होगी, कभी माइनस में होगी। ओके, तो ये तो क्यूमुलेटिव हमेशा एक ही, या तो प्लस में चलेगी तो प्लस 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 होती रहेगी, माइनस में होगी तो माइनस 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 होती रहेगी, दैट इज़ द क्यूमुलेटिव एरर। और तो ये जो सैग था, सैग की वजह से अगर कभी आपने प्रॉपर किया, कभी नहीं किया, कभी जिगजैग है तो भी, कभी ठीक करा, कभी नहीं करा, जिगजैग की वजह से क्यूमुलेटिव ही है। ओके, तो क्यूमुलेटिव एंड कंपनसेटिव, क्यूमुलेटिव एरर कॉजेज इन वन डायरेक्शन ओनली, इट इज कॉजेज इन वन डायरेक्शन ओनली। कंपनसेटिंग एरर कैन बी कॉजेज इन बोथ द डायरेक्शन, ओके, प्लस भी हो सकती है और माइनस हो सकती है, तो यानी कि वो या तो डिस्टेंस ज़्यादा बताएगी या कम बताएगी। ओके, अब आगे हम पढ़ते हैं वेरियस सोर्सेस ऑफ एरर, चेनिंग की एरर की बात करेंगे। ओके, सोर्सेस ऑफ एरर एंड देयर प्रिवेंशन। एंड देयर प्रिवेंशन, ओके, एक एरर है, मान लीजिए चेन की लेंथ खराब है, इनकरेक्ट लेंथ, तो इनकरेक्ट लेंथ है, अगर इनकरेक्ट लेंथ में टू केसेस आते हैं, टू लॉन्ग और टू शॉर्ट। ओके, अगर चेन आपकी 20 मीटर की चेन, अगर आप 20.1 मीटर है, तो डिस्टेंस जो मेज़र होगा
ए और बी का जो डिस्टेंस मेज़र होगा, ओके दिस इज़ ए दिस इज़ बी, ओके अगर आपने 10 चेन कर लिया तो आप तो कहेंगे 200 मीटर है, ओके लेकिन एक्चुअल में कितना था, आपने कहा 10 चेन मेज़र किया, मेज़र डिस्टेंस इज 10 चेन, तो चेन 20 मीटर की मानोगे तो 20.1 की हुई तो क्या होगा 201 मीटर, ओके दैट इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस इज 201 मीटर और सॉरी एक्चुअल डिस्टेंस इज 201 मीटर एंड द मेज़र डिस्टेंस इज 200 मीटर, तो क्या होगा कि आपने जो मेज़र जो एरर है दैट इज नेगेटिव, ओके व्हाट इज द ट्रू डिस्टेंस, का फार्मूला है ट्रू डिस्टेंस इक्वल टू मेज़र डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन और करेक्ट लेंथ ऑफ चेन, तो टू डिस्टेंस निकालना है, मेजर डिस्टेंस इज 200 मीटर और आपकी जो इनकरेक्ट लेंथ है दैट इज 20.1 एंड 20 तो ये आपका 10 तो 201 मीटर दैट इज़ द ट्रू डिस्टेंस व्हेन चेन इज़ टू लॉन्ग, व्हेन चेन इज़ टू लॉन्ग, टू लॉन्ग में क्या होगा ट्रू डिस्टेंस इज मोर देन मेजर डिस्टेंस, व्हेन चेन इज़ टू शॉर्ट, ओके व्हेन चेन इज़ टू शॉर्ट तब क्या होगा ट्रू डिस्टेंस विल बी लेस देन द एक्चुअल डिस्टेंस, ओके टू चेन इज टू शॉर्ट में क्या होगा टू डिस्टेंस इज लेस देन द एक्चुअल डिस्टेंस देन चेन इज टू शॉर्ट, ओके तो अनदर है दूसरी एरर का सोर्स है दूसरी एरर का सोर्स है द चेन गेटिंग आउट ऑफ लाइन ड्यू टू रॉन्ग रेंजिंग, रॉन्ग रेंजिंग, ओके दूसरी एरर का सोर्स है रॉन्ग रेंजिंग की वजह से क्या होगा जिगजैग होगा, जिगजैग होने की वजह से डिस्टेंस जो मेजर्ड होगा एक्चुअल डिस्टेंस जो मेजर डिस्टेंस होगा मोर देन द ट्रू डिस्टेंस, तो दिस इज क्यूमुलेटिव पॉजिटिव, ओके पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव तब होगी जब टू एक्चुअल डिस्टेंस मेजर डिस्टेंस इज मेजर इज मोर देन ट्रू, मेजर इज मोर देन ट्रू देन यू कैन से द पॉजिटिव कम्युलेटिव पॉजिटिव, कम्युलेटिव मीन्स एक ही डायरेक्शन में चलती रहेगी और ये पॉजिटिव होगी, मतलब आप में मेजर डिस्टेंस इज ऑलवेज मोर देन मेजर डिस्टेंस इज ऑलवेज मोर देन एक्चुअल, जब ट्रेन टू लॉन्ग होती है टू लॉन्ग होती है तो क्या होता है मेजर डिस्टेंस इज लेस देन एक्चुअल डिस्टेंस, मेजर डिस्टेंस इज लेस देन ट्रू डिस्टेंस, तो दिस इज क्यूमुलेटिव एंड नेगेटिव, ओके ट्रू डिस्टेंस इज द सोर्स, अगर इससे कम होगा मेजर डिस्टेंस तो नेगेटिव और टू शॉर्ट होगी, मेजर डिस्टेंस इज मोर देन ट्रू डिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो क्यूमुलेटिव, ओके एंड पॉजिटिव, बोथ क्यूमुलेटिव मीन्स एक ही डायरेक्शन में है, अनदर सोर्स ऑफ एरर इज चेन टेप नॉट बीइंग स्ट्रेट, चेन जो स्ट्रेट में नहीं है, ओके यानी कि आप जैसे कोई ग्रास वगैरह चेन इज नॉट स्ट्रेट सम ग्रास इज देयर, ओके स्ट्रेटनेस इज नॉट अचीवेबल ओके नो स्ट्रेटनेस देन यू कैन से इट इज़ क्यूमुलेटिव
हमेशा ऐड ही होती रहेगी, मेजर डिस्टेंस को पॉजिटिव, मेजर डिस्टेंस को हमेशा उससे ज़्यादा दिखाएगी ट्रू डिस्टेंस से। फिर अगली एरिया वेरिएशन इन टेम्परेचर, जब वेरिएशन इन टेम्परेचर होगा और पॉजिटिव टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है तो चेन बिकम टू लॉन्ग। ओके, तो इस केस में टू लॉन्ग बन जाएगी तो ये वाली कम्युलेटिव नेगेटिव। ओके, मेजर डिस्टेंस इज लेस देन, मेजर डिस्टेंस इज लेस देन टू डिस्टेंस। और वेरिएशन टेम्परेचर का नेगेटिव है तो चेन बिकम्स टू शॉर्ट। मेजर, तो ये मेजर डिस्टेंस इज मोर देन ट्रू डिस्टेंस एंड द कम्युलेटिव एंड पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड्स ऑन द मेजर डिस्टेंस। अगर मेजर डिस्टेंस ट्रू डिस्टेंस से ज़्यादा है तो एरर इज पॉजिटिव, और अगर मेजर डिस्टेंस ट्रू डिस्टेंस से कम है तो नेगेटिव। अनदर सोर्स ऑफ एरर इज वेरिएशन इन पुल। तो ये ज़्यादा कम दोनों हो सकती है, कम्युलेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है। दिस इज कंपनसेटिंग। ओके, दिस इज कंपनसेटिंग, कभी ज़्यादा कभी कम। तो दिस इज वेरिएशन इन पुल। तो दिस आर द वेरियस सोर्स ऑफ एरर, रॉन्ग रेंजिंग, चेनिंग, चेन, इनकरेक्ट चेन लेंथ। ओके, टू शॉर्ट और टू लॉन्ग, इनकरेक्ट चेन लेंथ, दिस इज द सेकेंड एरर। ओके, थर्ड इज द नो स्ट्रेटनेस, फोर्थ इज द वेरिएशन इन टेम्परेचर, फिफ्थ इज द वेरिएशन इन पुल। तो दीज आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ एरर इन चेनिंग। देन अनदर इज द मिस्टेक्स, मिस्टेक्स इन चेनिंग। ओके, मिस्टेक्स क्या है? मिस्टेक्स आर ब्लंडर्स। ओके, मिस्टेक्स इन चेनिंग। मिस्टेक्स इन चेनिंग क्या है? वो होती है, चेनिंग में मिस्टेक्स होती है। एक तो चेन लेंथ को मिसकाउंट करना, और एरो का डिस्प्लेसमेंट होना, ओके, ये जो मिस्टेक्स, मिसरीडिंग, मिसकाउंट, मिसरीडिंग। ओके, कई बार जो रीडिंग लिखने में गलती होती है, 50.38 को आपने 50.83 लिख दिया। ओके, ऐसी मिस्टेक्स भी होती हैं सर्वे में। तो दीज आर द वेरियस मिस्टेक्स इन चेनिंग। ओके, तो दिस इज़ द, वी हैव रेड अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ एरर इन चेनिंग। तो आगे हम और भी पढ़ेंगे। थैंक यू।